इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय IGO मीरपुर में छात्रों की समस्याओं विशेषकर उन्हें लाने ले जाने के लिए रोडवेज बसों की कमी को लेकर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव चिरंजीव राव ने छात्रों के साथ मिलकर कुलपति डॉक्टर SP बंसल और रोडवेज टर्मिनल प्रबंधक से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपकर यूनिवर्सिटी में बसें चलाने की मांग की। चिरंजीव राव ने कहा कि रेवाड़ी से विश्वविद्यालय के बीच सिर्फ एक ही बस चलती है जो कि ना काफ़ी है, ऐसे में छात्रों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विश्वविद्यालय में 80% छात्राएं हैं। रोडवेज टर्मिनल प्रबंधक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही बच्चों की इस समस्या को दूर किया जाएगा। रिवाड़ी से अजय त्री, अजा TV न्यूज। ज्ञापन सौंपा है आपने, क्या पूरा मामला था थोड़ा बताओ। देखिए, सबसे पहले तो हम सारे जितने भी छात्र थे वो मेरे से पिछले दिनों में मिलने आए थे कि उनको बसों की बहुत बड़ी दिक्कत जो हमारी मीरपुर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आ रही है, तो उसी के तहत आज हम लोगों ने अपना एक मांग पत्र DC साहब और रजिस्ट्रार साहब के नाम पर दिया है कि जितनी भी हमारी छात्राएँ हैं उनके लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं 80% यहाँ पर वो लड़कियाँ हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने मांग रखी कि एक तो उनके रूम बढ़ाए जाए और स्पेशल बस की हम लोगों ने उनके लिए मांग करी है। उसके तहत हम लोग आज GM साहब के पास भी हमने एक अपना मांग पत्र दिया है और DC साहब के नाम भी हमने अपना मांग पत्र दिया है कि इसके ऊपर जल्द जल्द कार्रवाई की जाए। तो क्या आश्वासन मिला अभी हमारे सामने? DC साहब ने DC साहब को फ़ोन किया और DC साहब ने GM को फ़ोन किया, उन्होंने ये बात रखी कि भाई हमने ये मांगे दी है और जल्द से जल्द इनको सुलझाया जाए, यह हमें उन लोगों ने आश्वासन आज यहाँ पर दिया है।